तो हे हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, आज की वीडियो होने वाली है हेडशॉट कैसे मारें, वो भी बहुत ही इजीली। जो भाई लोग बोलते हैं भाई हेडशॉट नहीं लगते हैं, कोई टिप्स दो टिप्स दो, तो भाई टिप्स टिप्स तो नहीं है ये फीचर, इसी में एक सेटिंग है गाइस, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्री फायर की ही वो सेटिंग है। दो भाई लोग उसको बहुत कम से कम उसको यार 60% लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट उससे ही बहुत अच्छे हेडशॉट लगते हैं। ठीक है, वो मैं आपको सेटिंग बता दे रहा हूँ। और क्या सेंसिटिविटी रखना है जिसके पास यार लो डिवाइसेज हैं, क्या सेंसिटिविटी और क्या कस्टम एचयूडी रखना है जिसके, और भाई लोग जिसको जिसके पास भी यार 2 GB रैम या 3 GB रैम वाले अपने यूज़र हैं, तो भाई वो भी इसको अप्लाई करके बहुत ही ईजिली हेडशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये देख लो, आपको मैं ये देखो जो आपका ये गन स्विच वाला, जो ये वाला आपका बटन है, ठीक है, सब भाई लोग पूरी आज पूरी की पूरी वीडियो इसी के ऊपर है। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो गाइस इसको जाके आप यूज़ करने लग जाओ यार। थ्री फिंगर यूज़ कर लो, अगर थ्री फिंगर, वैसे ये 2 फिंगर में भी अप्लाई हो सकता है, इसको आप जहाँ मर्जी रख लो, वो आपकी मर्जी है। तो गाइस पूरी की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाले। देखो जैसे कि ये मेरा गन स्विच वाला बटन है, इसी से मैं आपको अच्छे से अच्छे अच्छे हेडशॉट लगा के दिखाऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करें और कैसे क्या करें। तो गाइस भाई देखो, देखो मैं जब अब आपको अपनी सेंसिटिविटी दिखा दे रहा हूँ, और आप भी क्या रख सकते हैं जिसके पास लो डिवाइसेज है और जिसके पास हाई डिवाइसेज है। मैं दोनों के लिए बता दूंगा, बहुत अपने यूज़र हैं जो लो डिवाइसेज हैं और बहुत अपने यूज़र हैं जो हाई डिवाइसेज हैं। ठीक है, तो जिसके पास गाइस 2 से 4 GB रैम वाले जो भी अपने यूज़र हैं, उसको गाइस मैं कहूँगा 100 कर रखें, अपनी जनरल 100 कर रखें, और जो रेड डॉट है उसको 0 करके रखें। 0 करके रखेंगे तो भाई बहुत ही अच्छे खासे हेड लगेंगे रेड डॉट से। ठीक है, और जिसके बाद भाई लोग 6 to 8 है, वो अपना 100 to 80 to 100 करके रखेंगे, 80 से 100 तक का जनरल करके रखें और रेड डॉट 0 ही करके रखें। ओके, तो भाई लोग अपने हम आ जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको दिखाता हूँ इसको कैसे अप्लाई करें। ठीक है, हो जाए ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट। तो भाई देख लो, मैं जैसे कि अब ट्रेनिंग ग्राउंड में आ देखा हूँ, और जो मेरा गन स्विच वाला बटन है वो आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसी से आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से अप्लाई करें बहुत ईजीली। ठीक है, तो मैं पहले तो शॉर्ट गन ले ले रहा हूँ। देखो अब देखो जैसे कि, तो भाई लोग जो अपना ये गन स्विच वाला मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, इसका फ़ायदा एक और है गाइस। जैसे कि आप हेडशॉट लेते हो डेजर्ट ईगल के या शॉर्ट गन के, तो आपका जो एम है वो बॉडी पर लॉक हो जाता है। ठीक है, तो भाई इससे इस तरीके से अगर आप इससे स्विच करोगे गन, तो आपका जो एम है वो बॉडी पर लॉक बहुत कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हेड 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 पे जाएगा। ठीक है, तो भाई देख लो मैं किस तरीके से मार रहा हूँ। मैं पूरा जब ड्रैग कर रहा हूँ, जब मेरा एम लग रहा है भाई बॉडी पर लॉक होगा, तो मैं उसको क्लिक कर दे रहा हूँ, अपना जो ये बटन है उसको मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, और मेरा इजीली बॉडी पे नीचे चिपक रहा है, एम पूरी हेड पे चिपक रहा है। देखो जैसे कि देखो, मैं ड्रैग कर रहा हूँ और मेरा बहुत ईजिली जा रहा है। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से आप भी करके अप्लाई इसको कर सकते हैं। और गाइस, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बता देना, और किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना। अभी तो मेरे पास यही टॉपिक था, तो मैं चलो आपके साथ शेयर कर ले रहा। और भाई लोग जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बताया था कि ये जो अपना गन स्विच वाला बटन है, इसके एक फ़ायदे नहीं है गाइस, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको बताऊँगा और वीडियो में। तो गाइस अभी के लिए मैं और आपको इसके मतलब जिस भाई लोग से मतलब सेटअप ग्लूबल बोलूँ, या जो भाई लोग खड़के ग्लूबल लगाते हैं और जिससे जो ग्लूबल है पास में लगता बहुत दूर लगता है, तो गाइस इसको अप्लाई करके वो भी मतलब बहुत ही इजीली ग्लूबल भी लगा सकते हैं और बहुत ही अपने पास बिल्कुल ग्लूबल लगा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस किस तरीके से लगाए मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो गाइस देखो जैसे कि अभी मैंने एक ग्लूबल ले लिया है, तो गाइस अभी देखो जैसे कि मैंने एक बारी वन टैप कर दिया, और जब मैं अपना फायर करके, ठीक है, जब मैं अपना फायर करके ये अपना गन स्विच करूँगा, तो मेरा ग्लूबल ऑटोमेटिकली ग्लूबल आएगा हाथ में। ठीक है, देखो जैसे कि मैं फायर कर रहा हूँ, देखना मैं अभी, तो देखो मैंने ग्लू वाल लिया, अब जब मैं फायर किया तो मेरा ऑटोमेटिकली जो ग्लू वाल है वो हाथ में आ जा रहा है। ठीक है, एक बारी शॉर्ट करके। तो इसी तरीके से आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप ये आपको समझ गया होगा, जिसको समझ गया होगा कमेंट कर देना कि भाई समझ आ गया है। ठीक है, जैसे कि अब देखो मैं अपना फायर कर रहा हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो ग्लू वाल है वो हाथ में आ जा रहा है, और मैं बस फायर बटन पर एक दो बारी टैप कर रहा हूँ, एक बार गन गोली चलाने को और दूसरी बार ग्लू वाल लगाने को। ठीक है, बस दो बारी टैप कर रहा हूँ, ग्लू वाल अपने आप ही लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, बाय बाय। और गाइस हमारे 1K सब्सक्राइबर तो होने वाले हैं, तो जैसे ही 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, विद विद हैंड कैम करके
मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इसको अप्लाई करें, वो भी 2 GB रैम में भी और 6 और 8 GB में। ठीक है, मेरा तीनों फ़ोन पड़े हैं इस टाइम। जैसे ही अपने 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको तीनों फ़ोन में अप्लाई करके दिखाऊंगा विद हैंड कैम। ठीक है, और भाई लोग कम एक आधे बंदों को शेयर कर देना, ठीक है, जिसके कारण यार अपने व्यूज़ भी आ जाए। अपने व्यूज़ भी बहुत सारे बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए। ठीक है, अब हमारे व्यूज़ आते नहीं है, 60-70-80 ऐसे व्यूज़ आते हैं, पहले 400 व्यूज़ आ जाते थे। ठीक है, तो भाई लोग एक आधे फ्रेंड को भी शेयर कर देना जिसको वीडियो अच्छी लगी हो। ओके गाइस, और किसी को भी अगर 1v1 स्क्वाड डुओ करना है और वीडियो अपलोड करानी है यूट्यूब पर तो कमेंट में UID दे देना या मैसेज कर देना कि भाई 1v1 स्क्वाड करना है, सोलो डुओ है। तो गाइस मैं आ जाऊँगा, और वीडियो यहीं तक थी। बाय बाय।